हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीथलिटी एंड जीन इंट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमारा डाईहाइब्रिड और उसके जो लॉ थे वो कंप्लीट हुए थे, तो जो ये आज का हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है लीथलिटी एंड जीन इंट्रैक्शन। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लीथलिटी से ही क्लियर हो रहा होगा, लीथलिटी का क्या मतलब होता है, टॉक्सिक या जो भी जीन हानिकारक होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होती है ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं लीथलिटी या लीथल जीन बोलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लीथलिटी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द जीन प्रजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूजफुल। आप लोगों को पता है हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उनमें डिस्कस किया था कि जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि आप लोगों को पता है ऑल द जीन मतलब कि जो जीन होते हैं, जो बॉडी में जीन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे जीन क्या होते हैं, वो यूज़फुल नहीं होते हैं, ठीक है। बट सम ऑफ देम सो हार्मफुल इफ़ेक्ट एंड सम टाइम में कॉज डेथ और लीथलिटी। तो हमारी बॉडी में कुछ जीन ऐसे होते हैं मतलब जो क्या होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जो जीन हार्मफुल होते हैं, जिनसे क्या होती है ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लीथल फैक्टर या लीथल जीन, ठीक है। सच फैक्टर और जीन विच कॉज डेथ और लीथलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लीथल फैक्टर और जीन। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज लीथल फैक्टर आर फॉर्चुनेटली प्रजेंट इन रिसेसिव स्टेट। मतलब क्या है, ये जो लीथल फैक्टर या लीथल जो जीन होता है वो कहाँ पे प्रजेंट होता है, रिसेसिव स्टेज में, मतलब कि जहाँ पे आप क्रॉस में जाओगे तो जहाँ रिसेसिव कंडीशन होगी, ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे लीथल फैक्टर प्रजेंट होता है। एंड दस के एंड दिस कॉज डेथ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। और जो लीथल फैक्टर जो कॉज करता है वो कहाँ पे करता है, जब जीन कैसे होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इन हेटरोजाइगस कंडीशन दे मे कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस। और हेटरोजाइगस में क्या करता है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होती है वो कहाँ होगी, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम जब हम क्रॉस कराएंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लीथल फैक्टर वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन माइस बॉडी कलर बाय ए एल क्यूनेट 1905 में। जो सबसे पहले जो लीथल फैक्टर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लीथल फैक्टर को वो कहाँ किया था, माइस बॉडी कलर में, चूहे की बॉडी कलर में इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और वो किया था एक फ्रांस के जेनेटिक्स थे, साइंटिस्ट थे फ्रांस के एल क्यूनेट, उन्होंने 1905 में ये क्या किया था, लीथल फैक्टर की उन्होंने लीथल फैक्टर को डिस्कवर किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिम येलो माइस नेवर शो ट्रू ब्रीडिंग एंड व्हेन येलो माउस इज क्रॉस्ड विद अनदर येलो माउस प्रोड्यूस्ड येलो एंड ब्राउन इन द रेशो 2:1। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या होता है, जब क्यूनिट ने क्रॉस कराया येलो माउस और येलो माउस के बीच में उन्होंने जब क्रॉस कराया, तो वहाँ पे जो रेशो मिला वो कैसा मिला, 2:1। लेकिन हम प्रीवियस वीडियो में जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए था, मेंडल के अनुसार हमें मिलना चाहिए था फिनोटाइपिक रेशो क्या मिलना चाहिए था हमें, 3:1, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, 2:1। तो क्यूनेट ने सोचा कि जब हमने, उन्हें ये नहीं पता था जब उन्होंने क्रॉस कराया कि जो मैं पेरेंट जो कैरेक्टर हैं वो होमोजाइगस में है कि हेटरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनका जो फिनोटाइपिक रेशो मिला, उन्हें मिला 2:1, जबकि रेशो मिलने चाहिए था 3:1, क्योंकि हमें पता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं एफ2 जनरेशन में चार कॉलम बनते हैं ना, तो कितने मिलते हैं, 4 जीन मिलते हैं, तो उसमें क्या मिले इन्हें, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2:1, 3 हैं। तो इनका था कि एक कहाँ पे गया, एक जीन कहाँ गया, ठीक है। तो
इस पे उन्होंने फिर क्रॉस कराया, तब पता चला कि जो जीन होता है, जो होमोजाइगस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं डायग्राम बेसिस पे। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया माउस में, येलो माउस और येलो माउस में, तो आप देख रहे हैं कि जो ये कैपिटल वाई है, ये क्या है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है, और बॉडी कलर, बॉडी में मतलब जो कलर है बॉडी का, उसमें डोमिनेंट जीन है येलो, लेकिन बट इज़ रिसेसिव फॉर लिथलिटी। लेकिन जो लिथलिटी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अभी हमने पढ़ा था रिसेसिव में। ठीक है, जहाँ पे भी रिसेसिव कंडीशन होती है, लिथल फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, रिसेसिव में। ठीक है, एंड व्हेन रिसेसिव जीन कम इन होमोजाइगस कंडीशन, जब जो रिसेसिव जीन जो होता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब कूनेट ने क्रॉस कराया, पेरेंट कैरेक्टर लिए ए वाई और ए और ए वाई ए, ये आपको लोगों को दिख रहा है कैसे है, हेटरोजाइगस कंडीशन में है। अगर होमो में होते तो कैसे होते, कैपिटल ए कैपिटल ए, लेकिन ये कैसे हैं, दोनों हेटरोजाइगस में है। ठीक है, ये क्या, ये पेरेंट कैरेक्टर हैं, तो वहाँ पे एफ वन जनरेशन में क्या मिला हमें, ए वाई और ए। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने एफ टू जनरेशन के लिए क्रॉस कराया, तो गैमेट्स बने, जो हमारे गैमेट्स बने फॉर हमने चेकर बोर्ड बनाया, और यहाँ पे जो गैमेट्स बने वो कैसे थे, तो फर्स्ट कॉलम में हमें मिला ए वाई और ए वाई, ये कैसे हैं, ये रिसेसिव हैं और कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट में मिला हमें ए वाई और ए, ये कैसे हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन में। नेक्स्ट में हमें ए वाई और ए, ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन में, और नेक्स्ट में कैपिटल ए कैपिटल ए, ये कैसा है, ये भी, ये है तो होमोजाइगस कंडीशन लेकिन कैसा है, डोमिनेंट है, और जो ए वाई और ए वाई है वो कैसा है, रिसेसिव है। तो लीथल जीन क्या कहलाता है, कि जो लीथल फैक्टर, जो लीथलिटी क्या कहलाती है, कि जो लीथल जीन होते हैं वो रहते तो कहाँ पे हैं, रिसेसिव कंडीशन में, लेकिन हार्म कहाँ करते हैं, रिसेसिव कंडीशन, साथ में क्या होना चाहिए, वो होमोजाइगस होना चाहिए। तो जहाँ पे जिस एम्ब्रियो में, जो एम्ब्रियो की डेथ हुई है, देखो इसमें वहाँ पे कैसा है, वो जहाँ पे जो रेड था वो कैसा हो जाता है, वो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि वो कैसा था, रिसेसिव था और होमोजाइगस कंडीशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेशो मिला, 2:1, 2 कैसे हैं, हेटरोजाइगस हैं, और 1 कैसा है, होमोजाइगस है, लेकिन वो कैसा है, डोमिनेंट कंडीशन में है, तो इसलिए क्या करता है, वो सर्वाइव करता है। ठीक है, ये था लीथलिटी फैक्टर का एग्जांपल। इसका कोई और एग्जांपल भी है, एक इसका जो एग्जांपल है वो सबसे, जो प्लांट में था, प्लांट में देखा था स्नैपड्रैगन की, जो स्नैपड्रैगन प्लांट में इसे ऑब्जर्व किया था, वो किया था ई बोर ने, है ना, 1907 में। ठीक है, तो उन्होंने क्रॉस कराया, तो लीथल फैक्टर में क्या था, कि जो एफ टू जनरेशन होती है वो कैसी मिलती है, उसका जो रेशो मिलता है वो कैसा मिलता है, 2:1 मिलता है, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसा मिलता था, 3:1 था। यहाँ पे क्यों मिलता है 2:1, क्योंकि जो लीथल फैक्टर होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में क्या करते हैं, रहते हैं, और जब एफ टू जनरेशन में, जब ऑर्गेनिज्म का, जब ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि प्रोड्यूस होते हैं, तो जो वो जब ऑर्गेनिज्म का, जब क्या बोलते हैं उसका, जब एम्ब्रियो बनता है, तो वो वहीं पे उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, क्योंकि वो रिसेसिव होगा और कैसा होता है, होमोजाइगस होगा, तो उसकी आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, 2:1 का जो हमें रेशो मिलता है, फिनोटाइपिक रेशो इसलिए मिलता है। और ये था लीथल फैक्टर का एग्जाम्पल। लिथल फैक्टर को जो प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था, वो किया गया था स्नैपड्रैगन, और इसका बॉटनिकल नेम था एंथीरियम मेजस में, और इसे जो रिपोर्ट किया था, ये किया था ई बोर ने 1907 में। ठीक है, तो जो एनिमल्स में देखा था, माइस में, वो किया था क्यूनेट ने, और प्लांट्स में किया था बोर ने 1907 में। ठीक है।